उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी विकास रथ यात्रा के जरिए यूपी भ्रमण पर निकले हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अखिलेश के विकास रथ को रोकने के लिए अपने परिवर्तन रथ को मैदान में उतार दिया है। मिशन 265 प्लस का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी परिवर्तन यात्राओं के जरिए यूपी को मथने की कोशिश में जुटी है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने पूरी तरह कमर कस ली है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और सीएम अखिलेश यादव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी अपने परिवर्तन रथ के सहारे जनता से जुड़ने जा रही है और इसकी शुरुआत कल से यानी 5 नवंबर से हो जाएगी। हालांकि प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने गुरुवार को लखनऊ में रथ की औपचारिक रवानगी कर दी है। ये रथ सहारनपुर पहुंचेगा, जहां कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रथ को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह, ओम माथुर के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य और सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। यहां आपको बता दें कि कल समाजवादी पार्टी का रजत जयंती समारोह भी है, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे। यहां पार्टी दावा कर रही है कि समारोह में कई हजार लोगों की भीड़ जुटेगी। ऐसे में साफ है कि सपा के इस कार्यक्रम से लोगों का ध्यान भंग करने के लिए भी बीजेपी ने कल का दिन चुना है। वैसे सहारनपुर के बाद बीजेपी की दूसरी यात्रा 6 नवंबर को झांसी से, सोनभद्र से 8 नवंबर को तीसरी और 9 नवंबर को बलिया से चौथी यात्रा शुरू होगी। बीजेपी परिवर्तन यात्राओं के जरिए 17,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस दौरान 36 बड़ी सभाएं आयोजित की जाएंगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बड़ी रैलियां करेंगे। परिवर्तन यात्रा करीब 190 दिनों में सभी 75 जिलों में 403 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इस दौरान करीब 15,000 परिवर्तन यात्री 50,000 चौपाल लगाएंगे और पार्टी की उपलब्धियां जनता के सामने रखेंगे। ये सभी यात्राएं 24 दिसंबर को लखनऊ में समाप्त होगी, जहां परिवर्तन सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि यूपी चुनाव में बीजेपी का नारा पूर्ण बहुमत संपूर्ण विकास बीजेपी पर है विश्वास होगा। लखनऊ से डीबी लाइव के लिए रतिभान त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो बीजेपी का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है और कल से ये मैदान में भी होगा। साफ है कि इस दौरान बीजेपी सपा बसपा और कांग्रेस को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और कोशिश करेगी कि जिस तरह से लोगों ने आम चुनाव में बीजेपी का साथ दिया, उसी तरह विधानसभा चुनाव में भी उसे जनता का साथ मिले। लेकिन ये पब्लिक है और ये सब जानती है और इन्हें पता है कि किसे चुनना है। देखते रहिए डीबी लाइव।